हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिबा। आज हम अपने किचन में किमामी सिवई बनाने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं किमामी सिवई बनाने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमने सबसे पहले सिवई ली है। ये हमारे पास सिवई जो हमने एक बाउल ली है, और एक बाउल ही हमने चीनी ली है भर के। ये हमारा खोया, और ये हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं। ये बादाम जो हमने अच्छे से काट लिए हैं, ये बीज है, ये हमारे रेजन्स यानी किशमिश, और ये हमारे काजू। ये हमारी मर्जी पर है हम जितना डालना चाहें। ये हमारा केवड़ा है जो हम बाद में डालेंगे। ये हमारा देसी घी है हमारे पास। ये और ये दूध है जो खूब अच्छा गाढ़ा मलाई वाला दूध है, और सेम क्वांटिटी में पानी और दूध दोनों इक्वल है साइज में। फ्रेंड्स, हमको लास्ट में इसको छोंकने के लिए दो लौंग और दो इलायची की भी जरूरत पड़ेगी, जो हम लास्ट में उसको बनाने के बाद छोंकेंगे। और जब हम इसमें पानी और डालेंगे तब हमें ये फूड कलर भी डालना होगा, जर्द कलर। लेट्स स्टार्ट। अब हम बनाना शुरू कर रहे हैं अपनी किमामी सिवई, जिसके लिए हमने सबसे पहले अपना बॉट लिया हुआ है, जिसमें हमने वन बाउल पानी डाला। और सेम क्वांटिटी में ही हमने दूध लिया है जो खूब अच्छी तरह मलाई वाला है। अब हम अपनी गैस ऑन करते हैं। अब इस दूध को हमें पकाना है अच्छी तरह से। इसमें हम ये फूड कलर भी ऐड कर रहे हैं। ये अच्छी तरह से अब ये पक जाए, फिर इसमें हम अपनी चीनी भी ऐड कर देंगे। थोड़ा इसको खोलने दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये दूध भी अच्छे से खोलने लगा है। अब हम इसमें अपनी चीनी ऐड कर देंगे सबसे पहले, और इसको अभी हमें लगभग 3-4 मिनट खूब पकाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा दूध भी ये चीनी डालने के बाद अच्छे से खोल गया है। अभी हमने तेज गैस की हुई है अपनी फुल। अब हम इसमें अपनी सेवइयां भी डाल रहे हैं। बस अब हम इसको चला देंगे और थोड़ी देर ऐसे पकने देंगे। इसको थोड़ी देर पकने दीजिए ताकि थोड़ा सा ये एब्जॉर्ब कर ले इसका लिक्विड। देखिए, अब हमारी सिवई काफी हद तक ड्राई हो गई है। हमने 5 मिनट पकाया है इसको अच्छी तरह से। इसको पकने में हमारे 5 मिनट्स लगे हैं। और अब हम इसमें अपने ये खोया मिक्स कर रहे हैं, जिसको हमने छोटा छोटा तोड़ा हुआ है। और साथ ही हमने अपने ये सारे ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक है, बस अब हमारी 1 मिनट हमको पकाना है और गैस बंद। और ये आपको गीली दिख रही है, ये थोड़ी देर बाद ये थोड़ा सा और एब्जॉर्ब कर लेगी। और किमामी सिवई थोड़ी गीली ही अच्छी लगती है। मैंने आपको रेशो बताया है, जितना चीनी उतनी ही सिवई। सिवई बिल्कुल अच्छी तरह से फुल लीजिएगा, कम नहीं लीजिएगा। जितनी आपने, अगर आपने फुल यहां तक चीनी ली है, तो सिवई भी खूब अच्छी तरह भर के इस बाउल के बराबर ही लीजिएगा। आपको जितनी ज्यादा बनानी है उसका, उसी हिसाब से आप अपना रेशियो बढ़ा घटा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसका छौंक बनाएंगे। हमने अपना ले लिया है, इसमें हम 1 टेबलस्पून देसी घी हमने डाला है इसमें, और इसमें हम अपना ये लौंग और छोटी इलायची ग्रीन कार्डमम इसमें डाल रहे हैं। अब ये हो जाएगा तो बस अब हमें इसमें छौंक लगा देना है। ये हमारा हो चुका है, अब हम इसमें छौंक लगा देंगे। और साथ ही हम इसमें ये केवड़ा डालेंगे।
और ये बंद, थोड़ी देर हम इसको बंद रखेंगे और उसके बाद फिर इसको गार्निश करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी ये सेवई बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। देखिए ये कभी भी आप किसी भी फेस्टिवल पर या कभी भी आपके घर गेस्ट आए तो ये आप मीठे में बना सकते हैं और सबको बहुत पसंद आएगी। तो आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।